मैंने जैसे बात की कि हमें किसी का फोन आया था और उस फोन में उन्होंने मुझसे बात की थी फैमिली ट्री के बारे में, तो उससे मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन कल जो है थोड़ा सा टैम्पलेट में सर्च कर रहा था, तो टैम्पलेट में मुझे दिखा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। हालांकि फैमिली ट्री के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, टैम्पलेट है, बट दिस नॉट ऑटोमेट, वो नॉर्मली है, मतलब कि उस पर फिल जनरली फिल कर सकते हैं फॉर्मेट से। बट इसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये कोई फैमिली ट्री नहीं है, लेकिन इससे मुझे फैमिली ट्री का आइडिया आया था। तो जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को, ये बेसिकली कनेक्ट है, एडिंस लगा है किसका, विजुओ का, एमएस विजुओ, माइक्रोसॉफ्ट विजुओ होता है ना, उसके विजुओ का। तो यहाँ पे विदाउट कंटिन्यू विदाउट साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कैसा प्रीव्यू चाहिए। तो मैंने बोला मुझे होरिजेंटल प्रीव्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम होरिजेंटल प्रीव्यू में हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे एक सैंपल डेटा इसने दे दिया, सैंपल डेटा जिसमें एक आपकी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय की नेम है, उसका टाइटल है, राइट। उसके बाद यहाँ आपकी मैनेजर्स इसकी एक किसके अंडर में है उसका है, और उसका रोल टाइप क्या है, ताकि ये नीचे यहां पे दिखे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी यहां पे पहले की, तो अब जैसे मैं यहां पे इसको फैमिली ट्री में कैसे कन्वर्ट करूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे ही मेरा मैं खुद के फैमिली ट्री में बना रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे थे बैद्यनाथ सिंह, बैद्यनाथ सिंह, ओके। और उसके बाद जो है कि मेल थे, मैं मेल डाल देता हूँ। उनके बाद उनके जो है बेसिकली तीन बेटे हुए, जालिम सिंह, पदारस सिंह, और दानिश सिंह, ठीक है। जैसे मैं चेंज यहां पर देखिए नहीं हो रहा है, एक कब होगा जब मैं इसको रिफ्रेश रिफ्रेश करूं, ठीक है, रिफ्रेश करने पे आएगा। अब यहां पे अब देखिए जालिम सिंह और यहां हुआ आईडी नंबर वन, मतलब कि जालिम सिंह किसके अंडर में है, किसके बेटे हैं, तो आईडी नंबर वन के बेटे हैं। तो तीनों जो है तीन लोग बेटे थे, तीनों आईडी नंबर वन के बेटे। अब इसमें क्या हुआ कि पदारथ सिंह, दानिश सिंह ये जो थे आर्मी में थे, तो लोगों ने शादी नहीं किया था, तो ये लोग हो गए नाबालिग, मतलब कि बिना बच्चे के। मेरे फादर थे, मेरे दादाजी थे, उन्होंने शादी की तो उनके दो लड़के हुए, एक मेरे पापा नवल सिंह और दूसरा एक हमारे चाचा जी आर्यन सिंह। और ये क्या हुआ, अब इसमें देखिए किसके बेटे, आईडी नंबर टू के बेटे हैं, तो यहां मुझे इसका आईडी नंबर टू डालना होगा। तो ये आईडी नंबर टू के अंदर अब इस पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए बैजनाथ सिंह के तीन बच्चे हो गए, तो ये दो को आगे इसका ट्री नहीं है, इसके आगे इसका ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सुजीत, और यहां मैंने दे देता हूँ जालिम नंबर सिंह क्या है, आई आई नंबर सिक्स, तो यहाँ आई नंबर सिक्स के बेटे हैं, और है डला हुआ है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा 13, राइट। तो ऐसे फैमिली ट्री बढ़ती चली जाएगी, समझ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो यहां आप आईडी डाल रहे हो ना, वो उसके हिसाब से उसके नीचे डाल दे रहा है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है, यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहां ये जो बना है सिर्फ एक फैमिली के लिए बना है, बात समझ रहे, एक फैमिली के लिए बना है। अब प्रोजेक्ट पे आते हैं। अब प्रोजेक्ट हमारा ये है कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डेटाबेस, जैसे मान लीजिए ना कि आप गवर्नमेंट इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, राइट। तो आपने किसी की आधार आधार कार्ड को लिया, आधार कार्ड को एंटर किया, तो आपको अब जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ईमानदार बताता है, ईमानदार करता है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखना चाहती है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके किसी रिलेटिव के पास के नाम पे तो नहीं,
तो अब उसकी रिलेटिव कौन कौन है उसको देखने के लिए तो दिक्कत करना पड़ेगा ना सर। तो अब वो क्या करना चाह रहे हैं कि आधार कार्ड के जरिए लिंक अप करना चाह रहे हैं, समझे? जैसे कि मेरे फादर के आधार, मेरे आधार कार्ड पे मेरे फादर के नेम है, हालांकि ऐसा भी हुआ नहीं है, बट इन फ्यूचर में ऐसा होगा, लिंकअप होगा, समझे? फैमिली लिंकअप होगा। तो क्या हुआ कि मेरे फादर, मेरे आधार कार्ड से लिंक मेरे फादर के लिंक फादर का आधार कार्ड होगा। तो जैसे ही मैं फादर का नाम आधार कार्ड नंबर डालेगा, उसमें मेरा, मेरे ब्रदर का, मेरे वाइफ का, मेरे वाइफ का, मेरे बच्चे का, मेरे साली का, सबका एक ट्री आ जाएगा, लिंक, ज्वाइंट लिंक। समझ गया सर? समझ गया था। तो अब इसी तरह का मुझे बनाना है। हालांकि ये तो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, अगर इसको देखा जाए, इसकी यूज को देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन मैं एक्सेल पे बनाना चाहता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि कैसे बनाए, इसके लिए हम भी प्रोग्रामिंग ही करना चाहते हैं। मैं इसको विदाउट प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ। तो विदाउट प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आपको फैमिली ट्री का जो ब्रांचेज है उसकी लिमिटेशन फिक्स करनी पड़ेगी, कितने ब्रांचेस का आपका बनाना है। तो फैमिली ट्री के मैंने बोला कि 7 ब्रांचेस मैं बनाना चाहता हूं, समझ गए? कि मैं किसी का नाम डालूं तो उससे आगे का 7 पीढ़ी मुझे पता चल जाए। क्लियर है? क्लियर है। समझे? अभी में एक और प्रॉब्लम है कि आपको यहां पे 2 तरह की रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे, आगे का भी और पीछे का भी। बात समझे सर? सर आगे का भी और पीछे का भी। तो ये तो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट हो रही है, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि किसी का अगर हम नाम डालेंगे तो उससे आगे की जो फैमिली ट्री है वो फैमिली ट्री मुझे शो कर जाए। तो प्रोजेक्ट है ना सर, मजेदार, बनाना चाहेंगे आप लोग? जी चलिए। क्या जमुना जी, बनाना चाहेंगे? हाँ कर सकते हैं। इसमें वी लुकअप वगैरह का, इफ कंडीशन वगैरह का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छी बात, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे यहां पे अपना डेटा डिफाइन करना होगा। तो डेटा में एक होगा हमारा आईडी, ठीक है? एक हमारा होगा आईडी, राइट? आईडी के बाद यहां पे हम नेम डाल देते हैं। नेम के बाद यहां पे मैं फादर नेम डाल देता हूं, या फादर नेम डालने की भी जरूरत नहीं है, पर फिलहाल मैं डाल देता हूं। उसके बाद फादर नेम, यहां पे फादर आईडी, और यहां पे फैमिली आईडी, एफ आईडी। ये 2 चीज जरूरी है। अब बाकी एड्रेस वेड्रेस वगैरह जो चीजें वो तो डलेगी, उतना लंबा डाटा हम क्यों करें, क्या सर? जी बस यहां पे जेंडर कर देते हैं कि जेंडर जरूरी है, ये मेल है या फीमेल। तो यहां पे मैं आईडी नंबर 1 1 से स्टार्ट करता हूं। यहां मैं एक काम करता हूं ना, यहां पे 10 का डेटा बनाता हूं, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं बनाता हूं, 10। और यहां पे नेम आ गया, ठीक है? अब इसकी जो फादर है, ये इसके तो फादर नहीं है फिलहाल, मान लीजिए। और यहाँ पे 2 है, फादर वही इसमें डेटाबेस में है, वही होगा, ठीक है ना? और यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी, हमने बोला F1, फैमिली आईडी 1 है। तो मैंने 10 लोगों का, परिवार का एक फैमिली आईडी बनाया, राइट? तो मान लीजिए कि ये मैं, जमुना जी हमारे साथ ज्वाइन किए, तो लेडीज फर्स्ट के लिए हम समझते हैं कि चलिए पूजा जो है इससे फैमिली स्टार्ट हो रही है, राइट सर? तो पूजा के 2 लड़के हुए, यहाँ पे पूजा के जो है 2 बेटे हैं, दो एक बेटा और एक बेटी है। यहाँ पे इसका मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया है, मतलब कि फादर आई थी, राइट? अच्छा, ये फिर हमने FID, फादर नेम है यहाँ पे, माफ कीजिए, ये चीज यहाँ फादर नेम, फिलहाल फादर नेम को छोड़ देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो मोहन है और जो कविता है, ये हमारे 1 है, 1 इनके बच्चे हैं, राइट? अब इसमें क्या हुआ कि मोहन के 2 बेटे हैं, मोहन के 2 बेटे हैं, मतलब कि ये इसकी 2 आ गए, राइट?
और फिर यहाँ हम ये हो गए। अब मोहन के दो बेटे हैं नरेंद्र और रवि, और कविता का जो है एक बेटा है ओम, तो कविता जाएगी थ्री है, मैंने यहाँ पे डाल। अब जो रवि इंदर है ये अनमैरिड मान लेता हूं। अब यहाँ पे जो हमारी इंदु है, मतलब इंदु जो है, इंदु हमारी कविता के बेटे जो ये ओम है ना, ओम की बेटी है, तो यहाँ पे ओम का बेटा इन बेटी है, तो सिक्स हो जाएगा, राइट। और पुनीत भी है यहीं पे, और ये जो इंदु है, जो आपने ये जो इंदु है इसकी बेटी रवि और कुणाल है, तो ये कहता है सेवन, राइट। अब इसमें हमने यहाँ पे डाल दिया फीमेल, और ये डाल देता हूँ मेल, फीमेल, मेल, अगेन फीमेल, मेल ही होगा, ये होता है फीमेल, हाँ, और ये होता है हमारा मेल, मेल एंड मेल, तो इस तरह का डेटा बनेगा। अब बात करते हैं कि यहां पे हमारा क्या होगा, तो मैं यहां पे डालूंगा आईडी, ठीक है, और इसकी फैमिली आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी मुझे यहां पे कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, राइट, समझे सर। तो मैं इसको मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद मैं यहां पे बॉर्डर लगाता हूं। हम जो ट्री बना रहे हैं उसके लिए हम जो है इसका यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ग्राफिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, और हम इस तरह के फ्री ये बनाते हैं, प्रेजेंटर सही रहेगा, ठीक है, हो गया। तो मुझे इसके लिए फिर मुझे इसको दो करना पड़ेगा, मर्ज, मर्ज किया, और इस मर्ज करने के बाद इसको बॉर्डर देता हूँ, हालांकि इसको हटा देता हूँ, हाँ, और इसके बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट बॉर्डर। तो सात पीढ़ी का हम बना रहे हैं, तो पहला आ गया, ओके, और उसके बाद हमने अब ये प्रोजेक्ट जो है एक दिन में नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, इसको हम टुकड़ों में बनाएंगे, कुछ हम बनाएंगे कुछ आप बनाइएगा, ठीक है मैम। तो हम एक काम करते हैं, हर किसी के तीन, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि हर किसी के कितने बेटे हो सकते हैं, बच्चे कितने हो सकते हैं, तो मैं फिलहाल तीन लेके चलता हूँ, ठीक है सर, ठीक है, बट इसको आगे इंक्रीज करेंगे, सात का रखेंगे, सात या आठ का रखेंगे, क्योंकि फिलहाल में जो मेरा पैटर्न बन रहा है वो तीन पे बन रहा है, ठीक है। मर्ज किया पहला, अरे ये सारे चीजें कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होगी, हाई होगी, जैसे कि जैसे ही डेटा आएगा ना ऐसी ये दिखेगा, अदरवाइज ये हाई रहेगा, समझे। ओके सर, अब इसकी जो है हमने यहां पे इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, ऊपर वाला दे दिया। अब ये आगे पहली जनरेशन, यहाँ पे हम दे देते हैं G1 पहली जनरेशन, ये हमारा आता है G2 दूसरी जनरेशन, अब यहाँ पे तीसरी जनरेशन है। तो यहाँ फॉर्मेट सेल में हम यहाँ इसको देते हैं, तो ये आपकी पहली जनरेशन आ गई, ये आपकी दूसरी जनरेशन आ गई, ठीक है, क्लियर सर, क्लियर है सर। अब ये जो है मैं यहां पे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अब इसके भी तीन तीन बच्चे होंगे, तो
एक्सपी फॉर्मेट से डिजाइन और बढ़िया हो सकता है। इस तरह से हम इसकी डिजाइन तैयार करें, ठीक है। और ये यहाँ पे इसकी डिजाइन अपने हिसाब से बनाना होगा, ठीक है सर। फिलहाल इतना रहने देता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने डाला आईडी नंबर वन, तो जो यहां आईडी हम डालेंगे यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप का। वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने अपना डेटा के अंदर गए और इसका नेम लेके आ गया। आ गया नेम सर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये आ गया। अब मुझे ये पता करना है कि जो आईडी नंबर वन है जो पूजा है, अब यहां पे इसकी आईडी आ जाएगी, तो आईडी हमने इसी से लिंक कर लिया। अब मुझे ये पता करना है कि इस एक आईडी के बिहाफ पे कितने और आईडीज हैं, राइट सर। तो आईडी नंबर वन, आईडी नंबर थ्री, आईडी नंबर फोर यहां पे डालना होगा। अब इसके लिए फिल्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना होगा, इसके लिए हमारे पास एरे का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, एरे का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आईडी यहां इसके अंदर कि इसके इसके आईडी नंबर वन हो गया, आईडी नंबर वन जो है वो इसमें कहां कहां है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम एक करके। हर किस्म में हम एरे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट यहां एरे फॉर्मूला हम नहीं लगा रहे हैं। काउंट इफ लगाएंगे और हम बोलेंगे कि किसमें से इसी को और इसी को काउंट करो, और इसके साथ हम पहले वाले को फ्रीज कर देते हैं F4 से और कॉनकेटनेट लगाते हैं, और कॉनकेटनेट में हम इसी को सिलेक्ट कर देते हैं। तो फिलहाल जीरो करके आ रहा है, आप देखिए 1 1 2 2 3 3 4 5 इस तरह से आया, राइट। अब एक चीज हम यहां लगा रहे हैं, फॉर्मूला यहां लगा रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप में हमने क्या किया, यहां पे फन के साथ &% डैश, अगेन हम इसके साथ हमने इस आईडी को सिलेक्ट किया और हमने डेटा में चले गया, और ये आ गया हमारा टू नंबर आईडी नंबर टू। तो ये पता चल गया कि इसका आईडी दो है और इसी को मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं, पेस्ट किया। अब ये दो की जगह पे ये दो आ गया, अब ये वन के जगह वन आ गया। अब इसी को नीचे हमें पेस्ट करना है सेम, और यहां पे जो वन है मतलब कि पहला ने मुझे दूसरा वन का चाहिए था, दूसरा वन आईडी नंबर थ्री आ गया। इसके अंदर हम अपना वीलकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और बी के जगह पे मैं यहां पे सी कर देता हूं और यहां पे हम टू ले लेते हैं, टू नहीं थ्री, तो नाम आ गया। और यहां भी सेम ऐसा ही करना है, सी कर देना है और यहां पे थ्री कर देना है, बट छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि हाँ वन के जगह पे टू करना है। तो कविता आ गई, ठीक है। और यहां हम पेस्ट करते हैं इसको, पेस्ट कविता के जगह पे यहां पे थ्री के जगह टू के जगह पे थ्री हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि इसके पूजा के दो ही लड़के हैं, तीन लड़का नहीं,
तो ये नहीं आया, बात सही है, लेकिन तीन हो सकते हैं, हम तीन का पैटर्न लेके चल रहे हैं ना सर। हेलो, यस सर, हम तीन का पैटर्न लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इफ एरर लगाएंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें ये देना होगा कि जब ये ब्लैंक होगा तो क्या होगा कि ए साइज की फॉर्मेटिंग हाइड हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये इतना करना पड़ेगा, हमने इस पे इस पे कर्सर रखता हूं और चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स में, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और हम बोलते हैं कि अगर आईडी जो है इक्वल टू ब्लैंक है तो फॉर्मेट में आओ। फॉर्मेट में हमें इसकी फॉन्ट कलर को करना है व्हाइट, ताकि व्हाइट प्रोवाइड दिखे नहीं। बॉर्डर में हमें सारे बॉर्डर हटा देने, ठीक है, सारे बॉर्डर हटा दिए, एंड ओके एंड ओके एंड अप्लाई एंड ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से पूरे एरिया पे प्रिंट कर देना है। ओके सर, ओके सर। अब मान लीजिए कि तीसरा आ गया कि अगर मैं यहाँ पे एक आईडी नंबर और देता हूँ, मैं पूजा की एक और बेटी का मैं बोलता हूँ, पूजा पूजा की एक और बेटी थी, उसका नाम था मोनी। मोनी का आईडी नंबर 11 है और ये आईडी नंबर 1 से फैमिली नंबर 1 पे आ रहा था, ओके, और ये फीमेल। जैसे यहाँ पे ड्रैग होगा आप देखिए यहाँ, बट प्रॉब्लम क्या है सर, अनफॉर्मेटेड हो गया। तो हमने जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी ना सर, उसमें हमारा प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे क्या किया था, जो ड्रैग किया था उसमें प्रॉब्लम, हाँ ड्रैग जो हमने किया था उसमें छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसको मुझे कॉपी करके इधर जो हमें पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल, और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने का ऐसा कोई रूल नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पेस्ट करने का रूल नहीं, राइट सर। तो आपको एक एक करके इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होगा। इस तरह से एक मिनट और हो सकता है, एक मिनट, हाँ हो सकता है, हो सकता है। इसको कॉपी करके हम एक पूरे एरिया पे पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में कर देंगे नो बॉर्डर, ठीक है। यहाँ है, यहाँ पे ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे है, तो नहीं कंडीशन मीटिंग तो ऑलरेडी हो ही रहा है तो फॉर्मेट प्रिंटर में, लेकिन मैं यहाँ पे ऑल स्पेक्ट बॉर्डर कर देता हूँ, तो हट गया है सर। ऐसे ही यहाँ पे कॉपी करके यहाँ भी हम राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ऑल स्पेक्ट बॉर्डर। ऑल स्पेक्ट बॉर्डर में क्या होता है कि बॉर्डर पेस्ट नहीं होते, या फिर आपको एक एक करके लगाना होगा या ऑल स्पेक्ट बॉर्डर का इस्तेमाल करना होगा। पेस्ट स्पेशल, ऑल स्पेक्ट बॉर्डर, सेलेक्ट किया, एक मिनट, ऑल स्पेक्ट बॉर्डर, यहाँ पे मैनुअली आईडी हम लिख देते हैं, ठीक है, और यहां भी आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। हट गया सर। अब जैसे मैं यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने मोनी का डाला, 11 नंबर डाला और आई नंबर 1 डाला, और यहाँ पे फैमिली नंबर भी 1 है और यहाँ भी ये फीमेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आ गया, समझे, समझ गया। अब इसी तरह से जो हमने इसका लगाया है, अब ये जो होगा इसी तरह से मोहन के ऊपर होगा कि मुझे टू, जो सेम फॉर्मूला हम जो लगाया है, ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें हमने क्या किया हुआ है, पूजा को सिलेक्ट कर रखा है ना, ये पूजा सिलेक्ट नहीं होगा, ये क्या सिलेक्ट होगा, ए सिलेक्ट होगा,
समझे? समझ गया। बेहतर। राइट सर। और फिर ये आपका इसका 3 आ जाएंगे। फिर इसी तरह से यहां जो फॉर्मर लगेगा और इसके जो यहां पे जो आईडी होगा उस पे लगेगा। तो कहने का मतलब जो हम वीलुकअप लगाएंगे वो उसके फादर के आईडी पे लगाएंगे, राइट? उसके जो फादर मदर की आईडी है उस पे लगाएंगे। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और दूसरा मुझे बनाना है फैमिली के ऊपर कि मुझे इसकी फैमिली ट्री देखनी है। मान लीजिए कि 10 पीढ़ी का दिखना है, तो जैसे मैं फैमिली का डालूं तो 10 पीढ़ी का ट्री दिख जाए। और फैमिली ट्री का अगर आप फॉर्मेट लेना चाहें तो फाइल मेनू बार में आप जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहां सर्च करें ट्री। तो इसमें आपको देखिए फैमिली ट्री एक आपका ये दिख रहा है, फोटो फैमिली ट्री दिख गया, इसमें फोटो वगैरह दी है, फैमिली ट्री जनरेटर भी दिख गया, दिखा सर। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसने 3 फैमिली का लिया हुआ है, 3 जनरेशन लिया हुआ है, जनरेशन 1 सेकेंड थर्ड एंड चार्ज कर रहा है। तो इसकी फैमिली ट्री देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है सर। तो इस तरह से भी आप डिजाइन चीजें कर सकते हैं, राइट? राइट। तो इस पे दिखा सकते हैं आप फैमिली ट्री, या कोई और ट्री हो तो और ट्री भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं सर। ओके ओके सर। चलिए इसकी इस फाइल में आपको भेजता हूं, इस पे आगे कंटिन्यू कीजिए। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो क्या करना है सर? ओके सर। तो बेस क्या बोले सर? तो अभी वो कंटिन्यूशन करना है सर, वो मैं कोई भी प्रोजेक्ट मैं अधूरा बनाता हूँ, बाकी आपको बनाना होता है। मैं पूरा बना दूंगा तो क्या फायदा? तो नेक्स्ट लेवल करना है। जी हाँ, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि कंसेप्ट क्या है। अब आपको इसके आगे के चीजों पे आपको खुद से करना है, कहीं प्रॉब्लम आती है तो वी कैन हेल्प। ओके सर। समझे? समझ गए। तभी तो आप सीखेंगे ना सर।